फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे खाने के उन 9 बड़े ब्रांड्स के बारे में जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं। जिन खाने की चीजों को आज हम आसानी से खाते हैं, उन्हीं चीजों को खाना हमारे स्कूली दिनों की सबसे बेस्ट मेमोरी थी। लंच के डब्बे में मैगी हो, चाहे जेब में पॉपिंस कैंडी का पैकेट, हम सबकी यादें कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी हुई है। याद है गर्मियों के मौसम में स्कूल के पानी वाले बॉटल में रसना लेकर जाना, या फिर हर रोज माँ के हाथ से रात में बॉर्नविटा पीना। कैडबरी की चॉकलेट खाना पहले के समय में एक अलग ही एहसास पैदा करता था। आपको बता दें कि ये कंपनी भारत में साल 1948 में आई थी। छोटी छोटी बर्थडे पार्टी से लेकर बड़े बड़े त्योहार बिना कैडबरी के अधूरी रह जाती है। हॉर्लिक्स, भारत देश से सबसे ज्यादा सेल करने वाली हॉर्लिक्स आज हर घर के किचन में मौजूद होता है। आजकल ये केसर बादाम जैसे अलग अलग तरह के फ्लेवर में आने लगा है। याद है बचपन में हॉर्लिक्स पाउडर को खाना। मैगी, याद है कुछ साल पहले जब मैगी पर बैन लगा दिया गया था तब लोग काफी उदास हुए थे। आज मैगी दोबारा हम सबके बीच लौट आ चुका है। अमूल, सुबह पराठे पर अमूल का बटर हो चाहे रात के डिनर में अमूल का दही, इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल प्रोडक्ट अमूल हम सबकी पसंदीदा है। रसना, स्कूल से घर आने के बाद रसना स्कूल लाइफ की याद ताज़ा कर देती है। साल 1976 को भारत में आए रसना ने बाकी सभी ड्रिंक को पछाड़ दिया था। पार्ले जी, ये हमारे स्कूल लाइफ में हमारे बैग में पाए जाने वाला सबसे खास आइटम है, जिसको हमारी माँ घर से निकलने से पहले हमारे स्कूल बैग में डाल दिया करती थी। किसमें, इस चॉकलेट को शायद ही कोई भूल सकता है। इलायची और चॉकलेट फ्लेवर वाले इस चॉकलेट को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं।